हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दबेली। ये गुजराती डिश है जो कि हम एक स्नैक की तरह भी खा सकते हैं। देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है। यहाँ पे लिए हैं मैंने मैश पोटैटोज़, इमली की खट्टी मीठी चटनी। अगर ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, अगर आपके पास रेडी नहीं है चटनी तो आप इमली को गर्म पानी में भिगोकर और उसमें चीनी मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं। लिया है मैंने यहाँ पे कटी हुई प्याज, अनार के दाने। अनार के दाने टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इनको स्किप कीजिए। कुछ नमकीन सेब, जिस भी वैरायटी के सेब अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं, और मूंगफली के दाने जिनको कि मैंने थोड़े से ऑयल में ऑलरेडी फ्राई करके रखा है। मसालों में देखते हैं, थोड़ा सा जीरा, चीनी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक। और जितने नंबर ऑफ पीसेस हमें दबेली के तैयार करने हैं उतने पाव लेंगे। थोड़ा सा देसी घी चाहिएगा हमको और थोड़ा सा पानी। आइए दबेली बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन गर्म हो चुका है हमारा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। लगभग एक चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा अच्छे से भुन जाना चाहिए, जीरे को भुनने देते हैं अच्छे से। ये जीरा भुन चुका है, अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़े से लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, थोड़ी सी चीनी। इन सब चीज़ों को अच्छे से, मसालों को भून लेते हैं। मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे हमारे मैश किए हुए आलू। खूब अच्छे से हम आलू को फ्राई करेंगे इन मसालों में। हमको जो ये आलू हम भून रहे हैं ये हमें बहुत चटपटे चाहिए, इनका टेस्ट कुछ खट्टा कुछ मीठा होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी इमली की चटनी, इसको हम आलू को जो हम भून के बना रहे हैं इसको हम बहुत सूखा नहीं रखेंगे। ये थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए, उसके लिए हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये पेस्ट तैयार होना चाहिए। काफ़ी अच्छे से सब कुछ मिक्स हो चुका है। अब आइए इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं अब, और फिर हम दबेली बनाना स्टार्ट करेंगे। आलू जो हमने भुने थे वो थोड़े ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम दबेली बनाना स्टार्ट करते हैं। दबेली बनाने के लिए जो हमने पाव लिया है इसको देखिए हमें किस तरीके से कट करना है, इस तरीके से। लेकिन हम इसको पूरा कट नहीं करेंगे, ये देखिए इस तरीके से कट किया है मैंने इसको, इस तरीके से कट किया है मैंने इसको। ये यहाँ तक मैंने इसको कट किया है और यहाँ पे इसको कट नहीं किया है, इस तरीके से हमारा पाव रहना चाहिए। अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ी सी इमली की चटनी। अगर आप हरी चटनी खाते हैं तो हरी चटनी भी साथ में लगाइए, अगर नहीं खाते हैं तो इमली की चटनी ही लगाइए। इसको इस तरीके से होल्ड करेंगे। इसमें थोड़े से आलू, एक लेयर हम आलू का रखेंगे इस तरीके से, एक लेयर आलू का रखेंगे हम। इसमें थोड़ी सी प्याज, एक लेयर प्याज की रखेंगे। आप चाहें तो थोड़े से मूंगफली के दाने भी रख सकते हैं, थोड़े से मूंगफली के दाने रखेंगे।
फिर दोबारा से एक लेयर आलू का डालेंगे इस तरीके से। दोबारा से इसमें हम क्या करेंगे, एक लेयर फिर प्याज की देंगे, थोड़ी सी मूंगफली इस तरीके से, थोड़े से नमकीन सेव, ऊपर से लगाएंगे इसमें इस तरह, दो तीनों तरफ लगा देंगे। इसको थोड़ा सा केयरफुली करना है क्योंकि जो भी आप चीज़ लगाएंगे वो छुट कर गिरेगा, तो एक प्लेट नीचे रखिए उसके लिए, अगर कुछ गिरेगा तो प्लेट में ही जाएगा वो। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी दबेली बनकर तैयार है। अब हम इसको सेकते हैं। तवा गर्म हो चुका है, अब हम इस पर दबेली सेकेंगे। ये जो पाव हमने जिसमें फिलिंग डाली थी उसको सेकेंगे। इसके लिए थोड़ा सा घी हम तवे पर लगाएंगे और इसको सेकने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा घी हम ऊपर से भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा केयरफुली हमें इसको सेकना है। इस तरीके से सब तरफ से अब ये सेक चुकी है, अब हम इसको उतार लेंगे तवे पर से। देखिए इस तरह हमें इसको नमकीन सेव और अनार के दाने से गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। इसको गरम गरम खाइए, ये बहुत टेस्टी लगती है। आप भी अपने घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।